दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता व भाजपा के सांसद जहांगीरपुरी थाने में पहुंचे। जहांगीरपुरी थाने में जिले के पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे हुए थे। उनके साथ मीटिंग के भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि हमने आरोपियों के लिए कठोर से कठोर सजा की मांग की है और सुरक्षा की भी मांग की है। साथ ही आदेश गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा और कहा कि अरविंद केजरीवाल इन दंगाइयों को पानी पिलाते हैं, फ्री में राशन और सुविधाएँ देते हैं और वह इन्हें यहां अवैध रूप से बसा रहे हैं। यहां दंगाइयों की सहायता करने का आरोप अरविंद केजरीवाल पर आदेश गुप्ता ने लगाया। साथ ही कहा कि अंसार नाम का एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वह दंगाई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी के विधायक और दूसरे नेताओं के साथ उसकी फोटो है। यह आरोप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने लगाए हैं। कल ये कह रहे थे केंद्र सरकार का है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ उनका क्या काम है। उनका काम है जो शांति भंग करे उनको आप पानी फ्री दो, रोहिंग्या और बांग्लादेश उनको आप बिजली फ्री दो, उनको आप राशन फ्री दो, उनको आप बसाओ दमाद की तरह और फिर वो यहाँ इलाकों में जहांगीरपुरी और जमुना पार जैसे इलाकों में दंगे करें और देश का और दिल्ली का माहौल खराब छोड़ दे। तो क्या उनका काम यही है? अभी पुलिस वाले के पास से क्या कहना है? अभी लोग बुलडोजर चले जैसे ये उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे किसी को बख्शा नहीं गया। जो अपराधी है वो जेल के इलाकों के भीतर है, यहाँ भी चाहे दिल्ली मंत्रालय हो पूरी मुस्तैदी के साथ उनके साथ वही हश्र होगा, उनका वही हश्र होगा जो अपराधियों का होता है, जो इन दंगे कराने वालों का होता है उनका वही हश्र होगा। उनको सजा भी मिलेगी और उनको भरपूर सजा मिलेगी। हमारे 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 सामने डीसीपी साहब मिले थे और मेरी इससे पहले पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में है, उन्होंने बहुत फोर्स डिप्लॉय किया है और धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर डर की वजह से दहशत की वजह से कंप्लेंट नहीं करा रहे हैं, वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं कि किसने हमें धमकाया तलवार के बाद पर अब तमंचा दिखाकर वो लोग भी बाहर आ रहे हैं। पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और कोई भी इस तरह की घटना जब होती है और सवाल जरूर खड़े होते हैं, लेकिन एक सवाल मेरा है कि क्या सिर्फ इस मुद्दे पर अरविंद जी केजरीवाल जी राजनीति करेंगे या कुछ काम भी करेंगे? जब सवाल होता है रोहिंग्या और बांग्लादेश के आते हैं तो आप उनको बताते हैं उनको पानी बिजली क्यों दे रहे हैं, उनको राशन क्यों दे रहे हैं? तो सवाल पूरी खड़ा होता है कि आप राजनीतिक संरक्षण मत कीजिए। और यहाँ पर अभी जो यहाँ अंसार नाम का जो पकड़ा गया है वो आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है, आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके मंत्रियों के साथ उसके उसके फोटो आए हुए हैं। जिस तरह से धीरे धीरे बातें बहुत सामने आएंगी तो इस तरह के लोगों को संरक्षण देना ये बिल्कुल गलत है। आज देश को एक कमजोर करने की साजिश जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है।